व्हाट्स अप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सारे लोगों का। कम ऑन एवरीवन, आज के हमारे इस थर्ड वाले सेशन के अंदर जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को पढ़ रहे हैं, प्लीज़ सारे के सारे लोग मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि आपको मेरा ऑडियो और आपको मेरा वीडियो सारे लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से सुनाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो मित्रों, अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा लास्ट डे है जहाँ पे को 5% ऑफ मिलने वाला है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये इसका सब्सक्रिप्शन लेने पर। यानी कि अगर आप ultimatecA.com के ऊपर जाते हैं और आप अल्टीमेट कैप्स लॉक में प्रयोग कीजिएगा, अल्टीमेट इस कोड का प्रयोग करते हैं, यानी कि कैपिटल में जब आप यहां पे अल्टीमेट कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मिल जाता है 5% ऑफ, और आज है उसका आखिरी दिन। चलिए अब मैं अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कल पढ़ रहे थे। हमने तीन प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया था, आज हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो आपको रिविजन के लिए एक ऐसा कंपेरिजन भी यहां पर दिया होगा। तो नेगोशिएबल ये तीनों चीजें हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो देखो, प्रॉमिसरी नोट पढ़ा था, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था और तीसरा चेक पढ़े थे। हमने तीनों ये चीजों को कवर किया है। प्रॉमिसरी नोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, यहां पे प्रॉमिसरी नोट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में जो बीइंग अ बैंक नोट या करेंसी नोट होता है। क्या नहीं होता सर? इसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्या होती है बोलो जल्दी से? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू सर्टन पर्सन और ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब ऑर्डर या बेयरर दोनों भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जहां पे एक व्यक्ति क्या करता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लेता है, यानी कि वो वादा करता है कि मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पेमेंट करूंगा, ऐसे चीज का वो यहां पे वादा करता है। क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर, ऑब्वियस सी बात। नेक्स्ट वाली चीज पे ध्यान दो, कैसा फालतू सवाल पूछ रहे हो, जो चैप्टर कवर नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड वो बुक में रहेगा। बुक बेटा जो बनती है ना वो ऐसा नहीं बनती कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए बना रहा हो तो दो चैप्टर को उड़ा के बनाना, उसमें वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बनती। बुक बनेंगी तो पूरी की पूरी बनेंगी और पूरी बुक आपको डिलीवर होती है। ठीक है ना, तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 यूनिट्स भले आप पढ़ नहीं रहे होंगे या भले इसके अंदर लाइव कवर नहीं हो रहेंगे, लेकिन वो भी आपको उसके अंदर मिलने ही वाले हैं, मतलब ये ऑब्वियस चीज है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आपके साथ। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखेंगे यहां पे क्या होता है बेटा, प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, साइन बाय द मेकर, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, प्रॉमिस टू पे सर्टन सम, पे मस्ट बी सर्टन और स्टैंड। ये सारी बातें होनी चाहिए किसके अंदर, प्रॉमिसरी नोट के अंदर। अब फिर हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ा था। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर देखिए ना सर, राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, यहां पे ऑर्डर किया जाता है दूसरे पर्सन को कि तुझे क्या करना है, तुझे अमाउंट को पे करना है, ऐसा ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है बोलो जल्दी से? ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन टू पे सर्टन मनी ओनली टू सर्टन पर्सन या ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, ऐसा यहां पे बोला गया। मुझे एक बात बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज को आप पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड बना सकते हो क्या? नहीं सर, बिल ऑफ एक्सचेंज को पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बनाया जा सकता। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वहां पे अंडरटेकिंग था, यहां पे ऑर्डर है, बाकी सब चीजें अगर आप देखोगे यहां पे तो ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आने वाला है। फिर हमने चेक देखा था। चेक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, याद है आपको मुकेश अंबानी ने SBI को बोला कि अगर IG सर आएंगे तो उनको 10,000 का पेमेंट कर देना या 5,000 का पेमेंट कर देना, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। मतलब क्या कि ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होते हैं, जब भी मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक को मुझे पैसा देना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल देना है। और इसके अंदर क्या, इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक दोनों इंक्लूड होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने ये सारी चीजें देख, अब अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स अपना बचा हुआ है, आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे चेक के। क्या पढ़ेंगे बोलो जल्दी से? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे चेक से। ठीक है, चलिए आ जाओ यहां पे ध्यान देंगे, फोकस करना चालू करेंगे। देखो क्या
सर किस बारे में बात हो रहा है? असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं. व्हाट आर द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक? देखो यहां पे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ चेक अंडर सेक्शन 6, अ चेक इज अ स्पीशीज ऑफ ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज. दस इसके अंदर क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इसके अंदर होने चाहिए ऑल असेंशियल. दूसरा, मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जैसे SBI के ऊपर हुआ, कैनरा बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, तो जिस बैंक का चेकबुक होती है ना, अपन उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं. आप समझ रहे बात को? तो जो अपन बनाते हैं चेक, अपन वो बैंक के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं. और तीसरा देखो क्या बोल रहा है, ये पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए. क्या होना चाहिए बोलो? पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए. ये दो ही ऐसे फीचर्स है बेटा जो बिल ऑफ एक्सचेंज को और चेक को अलग करते हैं. मतलब वैसे तो बिल चेक जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक पार्ट है, लेकिन चेक के अंदर दो चीजें होती है. एक तो वो बैंकर के ऊपर ऑर्डर दिया जाता है या बैंकर को ऑर्डर दिया जाता है पे करने का, और दूसरा वो ऑन डिमांड होता है. क्या होता है बोलो जल्दी से? वो ऑन डिमांड होता है. ये दो खास बातें होती है चेक की जो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज से अलग बनाती है. इस बात का अपने को ध्यान रखते हुए चलेंगे. सर क्या आप बात को समझे? है ना, चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आइए, कल अपना यहां तक मेरे हिसाब से अपन ने नोट्स बना लिए थे. तो अभी अगला टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको चेक के पूरे नोट्स अपन लोग फिनिश कर देते हैं, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर उसके बाद न्यू वाला टॉपिक यहां पे चालू करने वाले हैं. ठीक है ना? आओ यहां पे ध्यान दीजिए. चलो अगर आप क्वेश्चन बैंक ऑर्डर किए हो तो 8 से 10 दिन आपको लगता है पहुंचने के लिए. उसके लिए ड्रॉवर ड्रॉई पे चलो ड्रॉवर चालू करें. देखो यहां पे हु ड्रॉज चेक इसकी जो लाइबिलिटी होती है ये प्राइमरी एंड अनकंडीशनल. अगर आपको कोई भी सपोर्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो आज ही मैंने इंस्टा के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट किया हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने QR कोड स्कैनर आपके साथ शेयर किया है, तो आप उसको प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा. आप बैक एंड में सपोर्ट सिस्टम, मतलब आप सपोर्ट को अगर रेस करेंगे तो आपको कॉल बैक रिसीव हो जाएंगे. बस थोड़ा सा पेशेंट रहिए. क्या होता है अचानक से सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है. आप सोचो 1000-1500 एक साथ धनाधन आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा है ना दिक्कत हो रही है. और अभी साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आपके साथ साथ इंटरमीडिएट के भी बैचेस है, तो उसका क्राउड अलग, आपका क्राउड अलग, तो एकदम बहुत ज़्यादा अचानक से. अब देखो अगर सिस्टम को पहले से ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो तो नहीं होता, लेकिन एक साथ लोड आ जाए तो थोड़ा सा इंक्रीज. अब अपन कोई अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले या कोई ऐसी, समझ रहे हैं बात को, तो वैसे एकदम है नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है. और कुछ नहीं, बाकी आप धैर्य रखिएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी. मान लो अगर किसी भी बच्चे का नहीं भी होता है ना, तो YouTube के ऊपर, YouTube तो है ना, फिर तो एक और दिन बढ़ा देंगे. पहले 4 सेशन होंगे तो 5 सेशन कर लेंगे अगर नहीं होता है तो. लेकिन अगर हमें बैकेंड से आ गया कि सब लोगों का एक्टिवेट हो चुका है, बाकी सब हो चुका है, तो 5वां सेशन सीधा ऐप के ऊपर होगा, यानी कि परसों का सेशन. आ जाइए अब ड्रॉई लिखो यहाँ पे. ड्रॉई देखो क्या कह रहा है. Person who is
डायरेक्टेड, पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे मनी, पे पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशूड। चेक इज इशूड, ठीक है। हाँ, हो गया होगा शायद आपका, चलाओ ध्यान दो, इसको देखो, नहीं हुआ होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पट से, स्माइलिंग फेस लेना। हाँ चलो आओ, उसके बाद देखो, अब बात करेंगे किसके बारे में, ये अपना हो चुका था, कैरेक्टरिस्टिक्स बची हुई है, बस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बचा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड क्या था बोलो जल्दी से, सर सेकेंड था यहां पे ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉन ऑन बैंकर, और तीसरा क्या था, और तीसरा था पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए, ठीक है ना, ये तीन बातें यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक के अंदर। चलो मित्रों आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, अब मैं यहाँ पे चलने जा रहा हूँ, कम ऑन एवरीवन, सारे के सारे लोग जल्दी से बोलो, चलो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर, देखो मैं आ जाता हूँ हमारे क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक बार, क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे लॉ की सारे के सारे लोग, पहला वाला देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या आपको पता है, यस सर, चेक राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है, ट्रांसफर कितने भी बार किया जा सकता है एंटिल सेटिस्फेक्शन, इसके अंदर अनकंडीशनल प्रॉमिस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है पे करने के लिए, सर ऑर्डर कब होता है कमेंट करके बताना, और प्रॉमिस कब होता है कमेंट करके बताना, ठीक है, उसके अलावा सम पेबल टाइम ऑफ पेमेंट्स एसर्टेन होना चाहिए क्या, बिल्कुल, और इंस्ट्रूमेंट क्या डिलीवर्ड होना चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर डिलीवर्ड होना चाहिए, मेयर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कभी भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, ये हमेशा हमेशा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो डिलीवर होना चाहिए, ये आपका पहला यहां पे सवाल समाप्त होता हुआ। अब देखो सेकंड सवाल देखो यहां पे, रामा एग्जीक्यूट्स प्रॉमिसरी नोट इन द फॉलोइंग फॉर्म, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ मनी 10,000 आफ्टर 3 मंथ्स, सिर्फ इतना लिखा हुआ था, डिसाइड वेदर द प्रोमिसरी नोट इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट, आपको बताना है कि क्या ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना, आ जाओ। चलो देखो यहाँ पे, द प्रोमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रोमिस इन राइटिंग, क्या है बोलो जल्दी से, अनकंडीशनल प्रोमिस है बेटा ये राइटिंग के अंदर, ठीक है, इन द अबव क्वेश्चन द अमाउंट इज सर्टन बट द डेट एंड, बट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या मिसिंग है, देखो डेट एंड नेम ऑफ पेई इज मिसिंग, दस मेकिंग इट अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, और क्या प्रोमिसरी नोट कभी भी बेरर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, याद करना अपन ने पढ़ा था आरबीआई ने क्या कहा है, प्रोमिसरी नोट बेबल टू बेरर केवल और केवल कब कब बन सकती है, सर जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई इशू कर रहा हो, बाकी लोग कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ध्यान रखना वेदर ऑन डिमांड हो या आफ्टर सर्टन डेज होना चाहिए, ठीक है ना, तो हेंस इंस्ट्रूमेंट इलीगल हो जाता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इलीगल हो जाता है, क्या आप इस बात को समझे सारे लोग बोलो, ये चार चार मार्क के सवाल बनते हैं छोटे छोटे, ये तो 2 मार्क का या 3 मार्क का सवाल बनेगा आपके साथ, ये जो सेकंड वाला अपन ने देखा ना वो वाला, ठीक है, देखो व्हाट आर द पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 मार्क के लिए सवाल बनता है, देखिए ड्रॉवर ड्रॉई और पेई करके ऐसे 3 प्रकार के पार्टीज होती है, एक जो बिल को बनाता है, दूसरा अगर मैं बात करूं जिसको बोला जाता है बिल को पे करने के लिए, है ना, एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉई होना चाहिए, ये ड्रॉई होता है जिसको डायरेक्ट किया जाता है कि तू पे कर किसको, इसको पे कर करके, ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ पेई, तो पेई का मतलब क्या होता है, जिसको अपन डायरेक्ट किया जा रहा है पे करने के लिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो अमाउंट है ना वो किसको पे होगा बेटा, पेई को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा बोलो जल्दी से, पेई को वो यहां पे दिया जाता है, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझेगा, यस सर, चलिए अब ध्यान देंगे,
आ जाओ, अब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक, दैट इज होल्डर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में। चलो एक बात आपको ये टॉपिक चालू करने से पहले ही मैं आपको समझा दूं, क्या होता है इंस्टीट्यूट ने ना आपको होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स ये टॉपिक सेक्शन नंबर 8 के अंदर आता है और सेक्शन नंबर 9 के अंदर आता है, ये दोनों सेक्शन इंस्टीट्यूट ने आपके सीए फाउंडेशन के करिकुलम में नहीं दिया। सर नहीं दिया तो आपने सवाल क्यों दिया, आप क्यों ज्यादा का पढ़ा रहे? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स को नहीं समझाया, लेकिन वो सारे सेक्शन जिसके अंदर होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स आते हैं ना, उसको बराबर से इंस्टीट्यूट ने पेपर में रखा है, जैसे मैं आपको समझाता हूं उसको बराबर से लिया है इन्होंने। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो आप एक शब्द को यहाँ पे देखना, मैं जो आपको कह रहा हूं ना, ये देखो इस शब्द को देखना है यहाँ पे, द होल्डर शब्द देखो यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है, होल्डर करके शब्द यूज किया जा रहा है। अगले लाइन में देखो क्या यूज किया जा रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब जब मैं यहाँ पे जाऊंगा ना तो आप बोलोगे सर अब वो समझाओ करके होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, समझ रहे हैं आप बात को? तो अपने को जब तक अपन पढ़े, और ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं जानता कैसे इंस्टीट्यूट से ये टॉपिक छूट गया, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया और सबसे मेन जो चीज थी होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स की, छोटा सा कंसेप्ट है, 10 मिनट का कंसेप्ट है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिए तो कोई मतलब नहीं है फिर, है ना? लेकिन देखो आगे बराबर नाम दिया है होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स, हर जगह इन्होंने लिया है, तो भैया फिर समझा भी देते यार उसको, मजा आ जाता अपने को, है ना? चलिए आओ अब अगर हम लोग बात करें ना, सारे के सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे, फोकस करना होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब होता है। सुनो देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ मुकेश अंबानी के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में बात करूंगा, मुखिया के बारे में। मुखिया ने मुझे क्या दिया, मुखिया ने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया, बराबर ना? तो मैं क्या माना जाऊंगा, मैं यहां पे होल्डर माना जाता हूं। क्या माना जाता हूं बोलो जल्दी से, होल्डर। मतलब सर होल्डर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है और वो उस पैसे को क्लेम कर सकता है। बहुत भारी बोला मैंने, देखो सर होल्डर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास इंस्ट्रूमेंट का पजेशन होता है। क्या होता है बोलो, पजेशन होता है और वो उसको क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो, क्लेम कर सकता है, ठीक है? अब मान लो मैंने है ना ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैंने एमबी को गिफ्ट कर दिया, ये मैंने मुनीश सर को गिफ्ट कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर अब होल्डर कौन बन जाएंगे? अब जो होल्डर होंगे ना वो मुनीश सर यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी मुनीश सर को अपन ने होल्डर का नाम यहाँ पे देना है। मान लो सर एमबी सर ने इसको गिफ्ट कर दिया, किसको? पीपी सर को गिफ्ट कर दिया, तो ऐसे केस में अब होल्डर कौन हो गया? होल्डर यहाँ पे होने वाले है पीपी सर। तो आप समझ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, एट द ड्यू डेट किसके पास इंस्ट्रूमेंट है और कौन उसको क्लेम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है और वो व्यक्ति अगर उसको क्लेम कर सकता है तो उसे होल्डर का नाम दिया जाता है, उसे होल्डर बोला जाता है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे क्या? अरे बोलिए ना जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? ये हुआ होल्डर का मतलब। सर अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब होता है, सारे लोग समझेगा मैं? अरे बेटा इधर ध्यान दो, स्क्रीन के ऊपर, हाँ स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? आइए ध्यान दो, करते रहते हैं, चलो ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोग देखें ना, तो मान लीजिए सर अगर ऐसा होता कि अगर पीपी सर या पीपी सर से ना तेजस सर ने अगर यहाँ पे चुरा लिया होता, क्या कर लिया होता? तेजस सर ने अगर चुरा लिया होता पीपी सर ने इंस्ट्रूमेंट तेजस सर से, तो सॉरी तेजस सर ने अगर पीपी सर से इंस्ट्रूमेंट चुरा लिया होता, तो मुझे बताइए होल्डर कौन माना जाता? सर होल्डर यहाँ पे तेजस सर माने जाते। कौन माना जाता? तेजस सर। और तेजस सर ने क्या किया? और तेजस सर ने ये मान लीजिए दीपिका राठी मैम को ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया, गिफ्ट कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर अब होल्डर कौन माना जाएगा? अब होल्डर यहां पे दीपिका मैम मानी जाएंगी। बोलो कौन मानी जाएंगी? होल्डर मानी जाएंगी। कौन मानी जाएंगी? होल्डर मानी जाएंगी। लेकिन आप समझो, अगर तेजस सर का राइट डिफेक्टिव है, क्योंकि इन्होंने क्या किया? चोरी किया रे टनन टनन, क्या किया बोलो जल्दी से? तेजस सर ने चोरी किया पीपी सर से वो इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे केस में वो जो है ना वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस पर दाग लग गया, और वो सेम दाग लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट किसके पास चले आता है? मैम के पास चले आता है। और दाग धुलने वाले हैं क्या? नहीं धुलने वाले हैं, क्योंकि सर्फ एक्सेल थोड़ी है, बहुत ही बेकार, पर ठीक है। अब समझ के देखो बेटा, मेरा क्या कहना है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है ना, तो अगर होल्डर के द्वारा पास हो रहा है या होल्डर कोई बन रहा है, तो अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट टेंटेड हो गया है, तो वो टेंटेड धुलते नहीं है जब तक बीच में कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं आता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, सुनो 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 सुनो, देखिए नए वाले एग्जाम्पल पे, ठीक है? आ जाओ यहां पे, मैंने बात किया
अब आप मुझे बताना सेफा, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट था, मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को किसको दिया? मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को पीपी सर को गिफ्ट किया। मुझे बताइए पीपी सर यहाँ पे क्या माने जाएंगे? सर पीपी सर यहाँ पे होल्डर माने जाएंगे। बोलो क्या माने जाएंगे? होल्डर माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, पीपी सर ने एमवी सर को क्या दिया? सर पीपी सर ने एमवी सर को ना ये इंस्ट्रूमेंट दिया, और वो भी अगेंस्ट कंसिडरेशन दिया। मतलब एमवी सर ने पीपी सर को कोई ना कोई मान लीजिए टेक्निकल सर्विसेज रेंडर की थी, और उस टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट करने के लिए यानी कि बतौर कंसिडरेशन किसको दिया? एमवी सर को। बेटा यहाँ पे है ना, आप समझो एमवी सर को ये बिल दे दिया, यानी कि एमवी सर को ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया। तो मैं बताऊँ आपको, एमबी सर अब क्या माने जाएंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे बोलो? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो सर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स का ये मतलब कहना चाहते हो कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है कंसिडरेशन के बदले में, और भोलेपन से वो उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करता है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। तीन बातें सर, ऐसा व्यक्ति जिसको इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, दूसरा उसके बदले कंसिडरेशन के बदले, और तीसरा क्या बोला जा रहा है, गुड फेथ के अंदर। क्या होता है बोलो? गुड फेथ के अंदर। तो वो व्यक्ति यहां पे क्या बन जाता है? वो व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स सिर्फ एक्सेल की तरह काम करता है बेटा। क्या कि दाग अच्छे है दाग को धो डालता है, आप समझ रहे? मतलब कि अगर हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ गंदगी हो, कुछ टेंटेड हुआ वो इंस्ट्रूमेंट, तो एमबी सर अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनते हैं तो वो उसको साफ कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे बोलो? साफ कर डालेंगे। मतलब क्या, अब समझना, अब आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएंगी चीज। देखिए क्या, सर मैंने पीपी सर को गिफ्ट किया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है सर, ठीक है, पीपी सर से चोरी किया रे टनन टनन, किसने किया? तेजस सर ने चोरी किया। अब एमबी सर से सर्विसेज रेंडर किए और तेजस सर ने उनको क्या दिए? उसके जगह इंस्ट्रूमेंट दिया, सर्विसेज लिया इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक है, और एमबी सर ने यहां पे क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया ये इंस्ट्रूमेंट किसको? दीपिका राठी मैम को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पीपी सर का क्लेम क्या सही रहने वाला है क्या? हाँ सर, पीपी सर होल्डर माने जाते हैं, उनका क्लेम वैलिड है। तेजस सर का क्लेम वैलिड रहेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि तेजस सर ने चोरी किया और इंस्ट्रूमेंट टेंटेड हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उनका खराब टाइटल है, डिफेक्टिव टाइटल है, ऐसा मैं कहूंगा सर। लेकिन उन्होंने जब एमबी सर को ट्रांसफर किया इंस्ट्रूमेंट अगेन सर्विसेज, तो कंसिडरेशन के बदले और गुड फेथ के बदले, तो एमबी सर ने जो दाग थे ना चोरी के, उसको धो डाला, क्योंकि एमबी सर कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो एमबी सर ने वो दाग को धो डाला, और ऐसे केस में जब उन्होंने गिफ्ट किया इसको दीपिका मैम को, तो इसका जो टाइटल है वो गुड रहने वाला है क्या? हाँ सर, इसका टाइटल गुड रहने वाला है। क्या आप बात को समझे क्या? सारे लोग बोलो ना, इसका टाइटल कैसा रहने वाला है? इसका टाइटल गुड रहने वाला है, अच्छा टाइटल रहने वाला है। वही ये वाले केस में देखो, इनका जो टाइटल था ना, ये खराब टाइटल था। क्यों खराब टाइटल था वो वाले केस में? क्योंकि यहां पे तेजस सर का टाइटल खराब था, और वो खराब टाइटल के साथ आपने गिफ्ट किया। मतलब कि होल्डर कभी भी टाइटल को चेंज नहीं कर सकता, केवल होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास क्षमता होती है टाइटल को चेंज करने की। भारी बोला मैंने, बहुत भारी बोला मैंने, समझे क्या बात को, है ना? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर का, दोनों के बीच में आप गैप समझ रहे क्या? होल्डर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट आया, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट आया, कंसीडरेशन के बदले आया, और गुड फेथ में आया, मतलब जितनी भी गंदगी है वो धो दिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल धो दिया, ऐसा यहां पे बोला गया है। तो आपको कंसेप्ट के डिटेल में नहीं है, लेकिन आपके मतलब बाकी जो कंसेप्ट दिए गए ना इन्होंने, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली चीज, ठीक है? चलो अब आगे हम लोग पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसका एक छोटा सा रिविजन चार्ट सामने ही मैंने दे रखा हूं, लेकिन सबसे पहले अपन डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद आके रिविजन चार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो आओ, ध्यान दो मित्रों, सारे लोग ध्यान दीजिए। देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे, सर हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले केस में, सारे लोग देखिए, बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे बोलो, बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर क्या होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब, क्या होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब, जरा एक बार बता दीजिए। देखो बेयरर,
सर बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो उसका ओनर माना जाता है और ड्यू डेट के ऊपर वो उसके रिलेटेड प्राइस को क्लेम कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखा था कि 4 महीने बाद क्या मिलने वाले हैं, 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, और इसके ऊपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। वहाँ पे लिखा गया था आफ्टर 4 मंथ्स पे 10,000 टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा, या इनफैक्ट 4 महीने बाद जो भी व्यक्ति होल्डर होगा ना वो क्या कर सकता है, इस इंस्ट्रूमेंट का पैसा क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो जल्दी से, इस इंस्ट्रूमेंट का पैसा क्लेम कर सकता है, इसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं ना तो उसके अंदर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं डालता हूं, कोई भी व्यक्ति इसको क्लेम कर सकता है जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे जनरल ऑफर कैसा होता है, कोई भी व्यक्ति जनरल ऑफर को क्लेम कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, उसी कदर ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है बेयरर, कोई भी व्यक्ति इसको क्लेम कर सकता है जिसके पास क्या हो, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा मेकर के पास और बोलेगा देखो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये तारीख ड्यू डेट आ गई है, मैच्योरिटी डेट आ गई है, लाओ मुझे पैसा लाओ करके। आप समझ रहे, तो मान लो मेरे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आया था, बेयरर माना, मैंने वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आदित्य को दे दिया, आदित्य ने मानसी को दे दिया, मानसी ने क्रिश को दे दिया, तो क्रिश जाके ड्यू डेट के ऊपर मैच्योरिटी के ऊपर कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर सकता है। मान लो क्रिश बेटा है ना इंस्ट्रूमेंट को लेके जा रहा था, अचानक बहुत तेज हवा आई, वो इंस्ट्रूमेंट उड़ गया, और उड़ने के बाद वो किसके पास चले गया, वो श्रेया के पास चले गया, तो श्रेया जाके भी क्लेम कर सकती है क्या वो 10,000 रुपए को? बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। बोलो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझे? सारे लोग फटाफट बोलेंगे जल्दी से मुझे क्या आप बात को, ठीक है? तो अपन अभी बात जो कर रहे हैं ना ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, समझना, ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है? चलिए देखो यहां पे कहा गया बेयरर इंस्ट्रूमेंट, देखो बेयरर और ऑर्डर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक। मतलब आप ये नहीं बताते हो कि कौन व्यक्ति किसको पैसा देना है, ये चीज है ना ब्लैंक होती है। क्या होती है बोलो, ये चीज ब्लैंक होती है, तो नेम ऑफ पेई ब्लैंक होती है। और वेयर द नेम ऑफ पेई स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बेयरर, मतलब लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा डालूंगा पे भावेश और बेयरर, मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैंने क्या डाला, भावेश का नाम डाला, लेकिन और बेयरर का ये मतलब हो गया कि भावेश के अलावा और कोई भी आ गया ना तो भी उसको पैसा दे देना करके, ऐसा। बेयरर मतलब होल्डर, ठीक है? Where the last endorsement is blank, such instrument can be negotiated by mere delivery. मतलब सिंपल सी बात है कि जो लास्ट एंडोर्समेंट था ना वो ब्लैंक था, ब्लैंक था मतलब आपने किसी पर्सन का नाम नहीं डाले थे, आपने बस यू ही दे दिए थे, हैंड ओवर कर दिए थे। तो ऐसे कि इसके अंदर बाय मेयर डिलीवरी ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी नहीं लगता, मतलब साइन नहीं लगती, बस आपने इंस्ट्रूमेंट दे दिया, किस्सा खत्म, कोई साइन वाइन मारने की जरूरत नहीं, उसको बेयरर इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बोलो जल्दी से, बेयरर इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या आप बात को समझे? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलिए मुझे क्या बेयरर इंस्ट्रूमेंट को आप समझ गए क्या, ठीक है ना? प्लीज सारे के सारे लोग फोकस कीजिए क्लास के ऊपर। क्लास के एंड में आज मैं 10 मिनट क्या करूंगा, देखो आज 5 बजे तक मैं आपको पढ़ाता हूं पूरा, 5 से 5:15 तक आपको जितने भी डाउट्स होंगे ना वो सारे डाउट्स आप पूछ लेना, सपोर्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, और भी कोई होंगे वो सारे पूछ लेना। लेकिन अभी अपन क्लास में आए ना तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका क्या है, आप कमेंट भी करते हैं, आपका ध्यान क्लास में रहेगा नहीं, फिर बोलेंगे वो टॉपिक नहीं समझा, तो अभी का 1 घंटा भी वेस्ट होगा और घर पे फिर बाद में पढ़ने बैठेंगे तो मुझे अलग अलग नामों से याद करेंगे, तो वो दोनों भी चीजें मत करो, पूरा अपना फोकस अभी क्लास के ऊपर रखो, ठीक है ना? प्लीज क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए, बाद में मैं आपको समय दूंगा, आप आराम से मेरे को जितना चाहिए उतना डाउट पूछ लेना, 15 मिनट बहुत इनफ है। आपके जितने भी डाउट है ना, मैं जानता हूँ एक ही डाउट है कि सर वो आईडी पासवर्ड आ गया, लॉगिन नहीं हो रहा, क्या करूं? अरे भाई साहब रुक जा, अच्छा कुछ इतने महारत ही बताओ, ऑर्डर प्लेस करते हैं क्वेश्चन बैंक का, कल मान लो 10 बजे ऑर्डर डालो, रात में 10:01 को मैसेज कर, सर व्हेन विल माय क्वेश्चन बैंक रिसीव, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा। अरे भैया ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग आईडी होना चाहिए, और ट्रैकिंग आईडी के लिए वो जो भी कुरियर पार्टनर है वो हमको डिटेल देगा। अब कुरियर पार्टनर आपके लिए बैठा है कि हाँ बोले उसका ऑर्डर हम देता, अब भी रात में 10 बजे जाके बुक को देके आता हूं। अरे रुको थोड़ा सा,
बहुत ही हो गए, तो आप ब्लिंकिट पे थोड़ी ऑर्डर किए आपने कि दाले की ट्रैक करना है, जोमेटो समझ आएगा आराम से, होले होले मिल जाएंगे आपको, 7 दिन तो मिनिमम लगेंगे, है ना। और आसाम वासाम साइड ज्यादा समय लगता, 15 दिन लगते हैं, क्योंकि वहां पे और कोई नहीं चलता इंडिया पोस्ट के अलावा, और वो भी इतने नखरेबाज रहते ना इंडिया पोस्ट वाले, क्या बताऊं मैं आपको, है ना, उनको आधे समय मक्खन लगाना पड़ता है ना। चलिए आओ, चलो मित्रों, बेरर इंस्ट्रूमेंट अपन लोगों ने यहाँ पे देख लिया है ना। आइए, बेरर इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने पढ़ा क्या, यस सर पढ़ डाला। अब सेकंड वाली चीजें देखिए, सेकंड बात करूंगा मैं आपके साथ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, किसको बात करूंगा बोलो जल्दी से, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, देखो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि जो पेई होता है ना, उस पेई का आप नाम डाल देते हो, पेई का क्या डालते हो बोलो, पेई का नेम इंडिकेट करते हो। फिर से क्या कह रहा हूं मैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप पेई का नाम इंडिकेट करते हो, मतलब कल चल के जब मैच्योरिटी डेट आएंगी ना बेटा, कल चल के जो भी मैच्योरिटी डेट आएंगे ना, तो वहां पे आप जो अमाउंट दोगे वो केवल और केवल ओनली एंड ओनली आप किसको दोगे, ओनली एंड ओनली आप पेई को दोगे, बोलो किसको दोगे, केवल और केवल पेई को दोगे, इस बात का आप ध्यान रखना। मतलब सर आपका क्या, आप समझिए बात को, आपका ये कहना है सर कि मान लो हवा का झोंका आया है ना, समझिए आप, पवन के झोंके से है ना, मान लो ऐसा झोंका आया, क्रिश के पास इंस्ट्रूमेंट था जिसके ऊपर लिखा हुआ था पे क्रिश 10,000 रुपीज, वो उड़ गया बेटा और किसके पास चले गया, हर्षिता के पास चले गया, तो समझिए आप बात को, मुझे आप एक बात बताइए, क्या हर्षिता जा सकती है क्या, बोले लाओ मेरे 10,000 रुपए, नहीं जा सकती, क्योंकि नाम किसका लिखा हुआ है, नाम कृष का लिखा हुआ है, तो पेमेंट किसको होगा, केवल और केवल कृष को होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझे क्या। तो यहां पे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफाइड होता है पर्सन की किसको आपको पैसे देना है, बेरर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको ओनर मान लो, बस उसी को पेमेंट दे दो, ऐसा बोला जाता है बेरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, समझे क्या। तो जैसे अपने अपनी जो नोट होती है, अपनी जो करेंसी नोट होती है, ये बेरर नोट्स होती है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने चेक किसी के नाम से फाड़ा है तो उसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, कि आप केवल और केवल वही नाम के पर्सन को दोगे और किसी व्यक्ति को आप पेमेंट नहीं करोगे, ऐसा यहां पे आ जा रहा है, बहुत ज्यादा गला बैठ गया। आओ देखो क्या, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल, ओ माई गॉड क्या बोला, टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर, मतलब देखो क्या बोला, एक तो पर्सन को या पेबल टू पर्सन या उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे पर्सन को, जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं पे टू क्रिश और हिज ऑर्डर, मतलब क्रिश अगर उसको एंडोर्स करता है और ऑर्डर में लिखता है कि पे टू दर्शन, तो मेरे को दर्शन को पे करना पड़ेगा, आप समझ रहे, और पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, या अगर दर्शन भी किसी और को ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकता है, वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ऊपर वाला मेयर डिलीवरी मतलब मेयर पोजीशन को ट्रांसफर करो, यहां पे आपको साइन भी करना पड़ेगा और तब और डिलीवर करना पड़ेगा, तब जाके अपन लोग कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हुआ है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, सारे लोग ध्यान देंगे, देखो एक प्रॉमिसरी नोट बनी थी, मुखिया ने बनाया था मेरे नाम से, आईजी सर और हिज ऑर्डर, आई प्रोमिस टू पे आईजी सर और हिज ऑर्डर 10,000 रुपीज आफ्टर 4 मंथ्स, ऐसा डाला, ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एंडोर्स, मैं इसको किसी और व्यक्ति को दे देता हूं, मान लो मैं इसको किसको दूंगा, मैं इसको दर्शन को दूंगा, ठीक है, यह है दर्शन, तो दर्शन को जब मैं दूंगा ना, तो मैं उसके मतलब क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिखूंगा पे टू दर्शन और उसके नीचे साइन कर दूंगा। अब ये जो मैंने साइन किया, इसे क्या बोला जाता है, इंडोर्समेंट, ठीक है, इंडोर्समेंट साइन करने को, और जब मैं इसको डिलीवर कर दूंगा दर्शन को, तो इसे एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, तो दोनों चीजें होना चाहिए, मैंने साइन भी करना चाहिए और दर्शन को पजेशन भी देना चाहिए, तब दर्शन ड्यू डेट के ऊपर जा सकता है मुकेश अंबानी के पास अपने 10,000 रुपए को क्लेम करने के लिए, ऐसा यहां पे
सारे लोग समझे। बोलो 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 मित्रों जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए, ठीक है ना। चलो ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या बात को आप पूरे लोग समझ गए, इसको रीड करेंगे जल्दी जल्दी बिल्कुल। हाँ फॉर्जरी हो सकती है ना बेटा, बिल्कुल हो सकती है क्रिश, क्यों नहीं हो सकती, उतने सफाई से होना चाहिए, ये भी तो है। सर आपने बोला था प्रॉमिसरी नोट जिसके पास होता है वो उसको पैसा मिलेगा, बट अभी आपने क्वेश्चन में बताया कि प्रॉमिसरी नोट बेरर सिर्फ आरबीआई इशू करता है। राम रजोरिया जी एक बार आप प्रॉमिसरी नोट का जाके देखिए, मैंने उसी समय बोला था कि प्रॉमिसरी नोट जिसके पास होता है उसी को ही पैसा मिलता है, समझो आप बात को, अभी भी वही कहता हूँ मैं। लेकिन आप बेरर इशू नहीं कर सकते, प्रॉमिसरी नोट आपको हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालना पड़ता है, मतलब नाम आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। आप बेरर इशू करना चाहते हो तो आपको आरबीआई की गवर्नर की पोजीशन में आना होगा या खुद की पार्टी क्रिएट करके सेंट्रल इलेक्शन जीतने होंगे और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठाना होगा, केवल और केवल तब आप इशू कर पाएंगे प्रॉमिसरी नोट बेरर वाले, ठीक है। चलिए चालू करें आगे, बोलो 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 मुझे जल्दी से, ठीक है। हाँ चले आगे आओ मित्रों, नेक्स्ट वाले केस के ऊपर चलेंगे। दो चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो बेरर और ऑर्डर दोनों चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हुए चल लिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगली ओर, और अगला कौन सा है हमारा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा। अच्छा मैं आपको रीड करवा देता हूँ, एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बेरर और लास्ट इंडोर्समेंट अगर ब्लैंक में होता है तो इसे बेरर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि जो जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा वो ओनर माना जाएगा, ये इसके ऊपर किसी का भी नाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, जिसके पास इसकी ओनर, मतलब जिसके पास ये जो होल्डर होगा वो ओनर होगा, ध्यान रखना बेरर में जो होल्डर होगा वो ओनर होगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को नाम चाहिए सामने वाले व्यक्ति का, क्योंकि ये पेबल होता है टू अ पर्टिकुलर पर्सन, केवल और केवल पर्टिकुलर पर्सन को ही ये दिया जाता है या ऑर्डर ऑफ सच पर्सन, ठीक है ना। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक तो एक पर्सन को या उसके ऑर्डर से किसी दूसरे व्यक्ति को, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें अपन लोगों ने यहाँ पे देखे क्या? यस सर एकदम बढ़िया तरीके से देखिए। चले आ जाओ, अगर हम लोग बात करें आपके साथ तो अब मैं चलूंगा कौन सा है, अब मैं चलूंगा दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और वो है कौन सा देखिए यहाँ पे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो जल्दी से, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अब सर ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, तो देखो सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसके बारे में बात करो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जो क्या कि जो इंस्ट्रूमेंट, समझिए आप बात को, जो ड्रॉ किया जाता है इन इंडिया, क्या कहा मैंने बोलो सर, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है कौन सा, दूसरा होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ किया गया है इंडिया के अंदर, मतलब वो बनाया गया है इंडिया के अंदर, फिर से ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है इंडिया के अंदर, ड्रॉ किया गया है इंडिया के अंदर, तो उसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है। अब सेकंड टाइम देखो यहां पे क्या, सेकंड वाली कंडीशन देखो, और साथ साथ में क्या कह रहा हूं मैं, साथ साथ में सेकंड वाला पॉइंट देखिए यहां पे, सेकंड वाली बात यहां पे बोली गई है, एंड शब्द यहां पे यूज जो किया गया था वो है एंड, जो मेड होता है पेबल, एक तो पहली बात ये पेबल होगा इंडिया में या drawn upon ऐसा person जो क्या है resident of India है, बोलो क्या है, जो resident in India है, क्या है resident in India, ठीक है। तो अपन लोग कहेंगे कि इसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। अभी एग्जांपल दूंगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी।
इनलाइन, अभी बस इतना ध्यान दो, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर दो कंडीशंस होती है। कौन सी दो कंडीशंस? एक तो ये बनाया गया है इंडिया के अंदर, पहली प्राइमरी कंडीशन है इसका इंडिया के अंदर बनना। सर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर बना तो वो कितना भी कोशिश कर लो, अपना घरेलू इंस्ट्रूमेंट इनलाइन इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। साथ साथ में दूसरी कंडीशन क्या बोली, अगर ये पेबल होगा इंडिया में तो, या और समझो बात को, या ऐसे व्यक्ति के ऊपर ड्रॉ किया गया है जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। क्या है बोलो जल्दी से, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, ऐसा यहां पे बोला गया है। अब देखिए, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट रिमेंस इनलाइन इवन इफ इट इज एंडोर्स इन द फॉरेन कंट्री। भले आपने इसको बाहर एंडोर्स भी कर दिया होगा तो भी वो इनलाइन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। आओ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से समझेंगे, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, फोकस करना। आ जाओ देखिए, मैं अगर बात करूं तो ये जितनी भी करामतें हो रही है, ये जितनी भी बातचीत यहाँ पे चल रही है, ये पूरी पूरी है ना इंडिया के अंदर चल रही है, ठीक। अरे बाप रे, बहुत डेंजर हो गया ये तो, है ना। चलिए हाँ, अब ठीक है। देखिए ये सर अपन बात करें इन इंडिया के बारे में, इन इंडिया है ना, हाँ। देखो पर्सन वन है, ये क्या करता है, ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, किसके ऊपर, पर्सन टू के ऊपर, और इसको मिलने किसके वाला है, पर्सन थ्री को। बिल कहाँ बनाया सर, अहमदाबाद में बनाया, ठीक है ना। किसके ऊपर बनाया, पर्सन टू जो मुंबई का था उसके, उसको बोला कि पे कर, और किसको, पर्सन थ्री जो कोलकाता है ना उसको, या उसके ऑर्डर पे करने के लिए बोला। तो सर मुझे बताइए ये इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, इसे अपन लोग इनलाइन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। क्यों इनलाइन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे जरा बताइए मुझे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि पर्सन वन जो था, मतलब जो बिल बनाया गया, दो कंडीशंस होती है, बिल बनाया कहा जा रहा है, बिल इंडिया में बनाया गया, और ये पे कहा हो रहा है, पे सर कोलकाता में हो रहा है, तो अगर बनाया इंडिया में और पे भी कोलकाता में हो रहा है तो ऐसे केस के अंदर अपन लोग कहेंगे इसे क्या बोल दिया जाता है, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट बोल दिया जाता है। बोलो क्या बोल दिया जाता है, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट बोल दिया जाता है। मान लो सर इसने क्या किया, पर्सन थ्री ने पर्सन फोर को भेजा, क्या करा बोलो, पर्सन फोर को भेजा। ये पर्सन फोर कहां रहता था, ये पर्सन फोर रशिया में रहता था, कहां रहता था बोलो, रशिया में रहता था। अब ऐसे केस के अंदर मुझे बताइए इसे क्या बोलेंगे, इसे फिर से इनलाइन इंस्ट्रूमेंट ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बनाया कहां गया, इंडिया में, समझिए आप बात को, बनाया क्या गया, इंडिया में। और देखो यहां पे क्या लिखा है, सेकंड कंडीशन, ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट, और किसके ऊपर बनाया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के ऊपर बनाया, भले वो अब पे हो रहा है इंडिया के बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे ये क्या बनने वाला है सर, ये हमारा बनने वाला है, बताइए ना, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट। क्या बनेगा बोलो, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है, समझे क्या। दोनों चीजें समझ लो, पहला इंडिया में बना, सभी लोग बोलो पहला इंडिया में बना, और दूसरा क्या बोला, इंडिया के, एक तो पेबल इंडिया में हो रहा है या किसी पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ड्रॉ किया है, जैसे अपन ने देखा कि पर्सन टू के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया था, तो अपन लोग इसे इनलाइन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल डाल देते हैं, बस ऐसा यहां पे बोल दिया गया, समझे क्या आप बात को। सारे लोग जल्दी से बोलो मुझे क्या आप इस बात को समझे क्या, ठीक है। आओ मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। देखिए यहां पे पर्सन वन जो कहां पे रहता है, जो मुंबई में रहता है, उसने क्या किया, उसने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, किसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, तो उसने पर्सन टू के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जो कहां रह रहा था, जो हमारे शहर नागपुर में रह रहा था बेटा, ठीक है। और इसको पेबल कहां बताया, इसको पेबल सिंगापुर में बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसे मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा, आप सभी लोग बताओ इसे मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलूं, इनलैंड बोलूं या नहीं बोलूं, हां या ना में जवाब दो, क्या ये इनलैंड है या इनलैंड नहीं है। बोल देंगे जल्दी से क्या ये इनलैंड है या इनलैंड नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, समझ गए कंसेप्ट। क्योंकि सर ये ड्रॉ हुआ है इंडिया के अंदर, ये पेबल क्या है, ये किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, परसेंट टू के ऊपर ड्रॉ किया गया, पेबल कहीं पे भी हो हमें उससे क्या लेना देना। अगर ये पेबल इंडिया में हो जाता तो हम इनलैंड कह देते, पेबल आउटसाइड हो रहा है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो एंडोर्स किया जा रहा है या कुछ भी। ड्रॉन अपॉन दो में से एक कोई भी कंडीशन सेट है, देखो मेड इन इंडिया तो मास्टर कंडीशन हो गई बेटा, इसके बाद दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए अपने को। दो में से कौन सी एक कंडीशन चाहिए बोलो, एक तो पेबल इन इंडिया हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉन ऑन द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जैसे पर्सन जो है ये रेसिडेंट इन इंडिया है तो ऐसे उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो अपन लोग कहेंगे ये भी क्या हो जाती है, ये भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, समझे क्या। केवल और केवल मात्र दो कंडीशन है जिसको अपन देखते हुए चल रहे हैं। देखिए यहां पे अ प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ड्रॉन या मेड इन इंडिया, पहला बोला मेड इन इंडिया कहते हैं, चलिए मेड इन इंडिया यहां पे हुआ। दूसरा देखो क्या, एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। दो में से कोई भी एक कंडीशन सैटिस्फाई हो गई इसके साथ साथ तो अपन लोग कह देंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनलैंड इवन इफ इट हैज बीन एंडोर्स इन द फॉरेन कंट्री, तो अगर आपने फॉरेन कंट्री में एंडोर्स भी किया होगा ना तो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही बोला जाएगा। ये छोटा सा चार्ट प्यारा सा बना लेंगे, अपने नोट्स में ही बना लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा आपका बेयरर और ऑर्डर वाला होने का है ना, उसके बाद बना लेना, ठीक है, अपन यही इसको नोट्स में यूज करेंगे। चलो अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट वाले इंस्ट्रूमेंट की ओर। अच्छा ये देखो शॉर्ट में कुछ तो भी डब्बा बनाया इन्होंने, देखो क्या, प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन एंड मेड पेबल, प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज और या चेक ड्रॉन या मेड इन इंडिया, ये कहाँ बनाया, इंडिया में बनाया गया। अब देखो एक तो ये पेबल इन इंडिया हो जाए या ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाए तो इसको अपन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है सर। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट देखो क्या है, अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज द वन विच इज नॉट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, तो इनलैंड को छोड़ के बाकी सारी चीजें फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। तो सर बस इतना ध्यान रखो ना कि फॉरेन कौन से है, तो अगर आपको बोले एग्जाम में आया कि पहचानो बोले इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो रहा है करके, तो क्या अपन पहचान पाएंगे क्या, बहुत आसान है पहचानना। क्यों आसान है, क्योंकि इनलैंड को पहचानना है, इनलैंड के लिए दो कंडीशन है, सबसे बेसिक कंडीशन मेड इन इंडिया होना चाहिए और दूसरा एक तो पेबल इन इंडिया या ड्रॉन अपॉन द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में रिसाइड करता है, जो इंडिया में रहता है उसके ऊपर आपने बिल फाड़ दिया या उसके ऊपर आपने ड्रॉ किया तो बस सर उसको इनलैंड बोल देना। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा डिटेल में अदर शब्दों में समझते हैं। देखो यहां पे क्या उसका अपोजिट बोला तो वो था मेड इन इंडिया, मतलब ये क्या होगा मेड आउटसाइड इंडिया, समझ गए ना। तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मेड आउटसाइड इंडिया, प्राइमरी कंडीशन है कि इंडिया के बाहर बना। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर बना तो सबसे पहले माइंड में थॉट आना चाहिए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो भी सकता है, इनलैंड तो सोचना ही मत क्योंकि इनलैंड तो इंडिया में ही बनता, लेकिन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर ही बनता, ये तो एकदम बेसिक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद और देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे दूसरे कंडीशन। अब देखिए ऑन पर्सन रिसाइडिंग इन और आउटसाइड इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया, अब जो पर्सन है ना पर्सन रिसाइडिंग इंडिया में भी हो सकता है आउटसाइड इंडिया में भी हो सकता है लेकिन पेबल इंडिया में होना चाहिए, पेबल इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। या दूसरा और क्या होगा, देखो ऐसा पर्सन जो कहाँ रह रहा है आउटसाइड इंडिया रह रहा है प्लस इंस्ट्रूमेंट भी आउटसाइड इंडिया का है तो अपन कह देंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, या ऐसा पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है और अगर पेबल आउटसाइड इंडिया हो तो अपन इसको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं। आओ एक 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 केस को बढ़िया से समझेंगे, सारे लोग ध्यान दो। देखिए आपको पहचानने में सर हमको अब दिक्कत होंगी ना, आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों की जो मास्टर कंडीशन है कि बिल कहाँ बन रहा है ये अलग अलग है। अगर बिल बाहर बन रहा है तो अपने लिए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, बिल इंडिया में बन रहा है तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर पहचान बनाने का सवाल आया तो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। लेकिन अब दूसरी कंडीशंस सर, दूसरा अगर मैं बात करूं सेकंड, देखो यहाँ पे
अगर पर्सन रिसाइड कर रहा है इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर रहे, मान लो अपन मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है या इंडिया के बाहर रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, रहने दो उसको बाहर। लेकिन अगर इंडिया में पेएबल है, मतलब रुपीज में पेमेंट इसका होने वाला है, इंडिया में इसको पे करेंगे तो अपन लोग कहेंगे फॉरेन बिल्स होंगे ये। दूसरा देखो, कोई पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है और आउटसाइड इंडिया उसको मिलने वाला है पैसा, कोई पैसा मान लीजिए कोई पर्सन इंडिया के बाहर कनाडा में रहता है और कनाडा में उसको मिलेगा, अपन लोग बोलेंगे भैया बिल बना इंडिया के बाहर, ड्रॉ किया पर्सन जो इंडिया के बाहर रहता है, समझना बात को, और उसको बाहर ही मिल रहा है तो अपने लिए तो पूरा फॉरेन वाला ही कल्चर, मतलब पूरा के पूरा फॉरेन वाली चीज हो गई, तो हम लोग बोलेंगे फॉरेन बिल हो गया। अब देखो, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है और पेबल का है वो आउटसाइड इंडिया है, मतलब आप सोच के देखो, बिल बना इंडिया के बाहर, किसके ऊपर बनाया गया, ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रहता है लेकिन पे किसको हो रहा है, इंडिया के बाहर वो किसी पर्सन को पे होने वाला है, ठीक है, तो अपन कहेंगे ये भी अपने लिए फॉरेन बिल रहने वाला है। सीधी स्वाभाविक सी बात ये होंगी अपने लिए कि सर इंडियन बिल को छोड़ के, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के, बाकी के बाकी के बाकी के पूरे क्या बोले जाएंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यहां पे बोले जाएंगे, ठीक है, बस एकदम सीधी सी ये बात यहां पे रहने वाली है। समझ गए क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। अब देखो, अब बहुत खास वाली चर्चा है जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए यहां पे लाइबिलिटी ऑफ मेकर या ड्रॉवर ऑफ फॉरेन बिल, ये एकदम बढ़िया सी चीज है। देखो, इन द एबसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉवर ऑफ द फॉरेन प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक इज रेगुलेटेड इन ऑल असेंशियल मैटर ऑफ लॉ द प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट हैज बीन मेड एंड द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टर एंड एंडोर्सर बाय द लॉ ऑफ प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेबल करके। क्या बोला यहाँ पे? वेयर इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेबल, सेक्शन नंबर 134 के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत प्यारा सेक्शन है, सारे लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दो मैं जो कह रहा हूँ आपके ऊपर। देखो, यूएसए इसने बनाया सर बिल ऑफ एक्सचेंज सी के ऊपर, ठीक है, डी को दे दिया और डी ने ई को दे दिया, ई का है इंडिया में, ठीक है ना, ध्यान दो। यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, ये जो पर्सन है ये कनाडा में था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% का, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए ये कौन सा है, ये सिंगापुर है, और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। ये ड्यू डेट पे जाता है ए के पास और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है बोलो, रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल क्या बनता है, सवाल बनता है कि इसका केस कहां बनेगा, तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसका केस आप बनाओगे इंडिया में, कहा केस बताओगे बताओ, इंडिया में आप इसको केस में लपेटोगे, ठीक है सर। अगर आपने डी के ऊपर केस किया तो कितना परसेंटेज ले पाओगे, 15%। सर मान लो डी ने सी के ऊपर क्लेम किया तो वो कितना ले पाएगा, 20%, और मान लो ए के ऊपर बात जाती है तो कितना ले पाएगा, 10% का क्लेम यहां पर ले पाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि समझ लो आप बात को, जो लाइबिलिटी होने वाली है ना ड्रॉवर की, वो उसके कंट्री के हिसाब से होंगी। इनफैक्ट किसी भी पर्सन की जो लाइबिलिटी आएंगी वो अपने अपने कंट्री के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आएंगी, लेकिन केस कहाँ पे बनेगा, जहां पे मेड पेबल, जहां पे बिल पेबल होने वाला है ना, उसके हिसाब से केस यहाँ पे बनेगा। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से, उसके हिसाब से यहाँ पे केस बनेगा। आप समझे सारे लोग मैं जो कह रहा हूं आपके साथ। सर मान लो ई फ्रस्ट्रेट हो गया, ई ने बोला डी मैं तेरे ऊपर केस करूंगा, तो अगर डी के ऊपर केस बन रहा है तो कितने से ब्याज लेगा, 15% से। डी बोलता है मेरे ऊपर मत कर, मेरे को सी ने दिया। ई बोलता है ठीक है सी से पैसे लेता हूं, तो 20% का ब्याज बनेगा, सिवा ना ना मैं नहीं ए, तो अगर ए के पास गया तो 10% से ब्याज बनेगा। और ये केस कहा चलने वाला है, इंडिया में केस चलने वाला है, ध्यान रखना। ये डी के लिए ऑब्वियस ही बात है, बेचारा एक तो पहले उसको पैसा नहीं मिला, अब वो केस के लिए भी क्या सिंगापुर कनाडा और यूएसए जाएगा, तो उसके लिए बोल के लगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जहां पेबल होगा ना वहां केस बनेगा, और इनकी जो लाइबिलिटी आएंगी वो अपने अपने कंट्री के हिसाब से, उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री के हिसाब से उनकी लाइबिलिटी आती हुई चलेंगी, ऐसा यहां पर बोला गया, ऐसा यहां पर बताया गया। देखो आओ मैं आपको लॉ रीड कराऊंगा फिर से। देखो, इन द एब्सेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, और कुछ नहीं बोला है तो देखो, देखिए
The liability of the maker drawer of foreign promissory note bill of exchange is regulated in all essential matters by the law of the place where he has made the instrument. मतलब क्या? A की liability कैसी आएंगी? 10% की आएंगी. समझ रहा बात को? A की liability कैसी आएंगी? ये 10% के हिसाब से A की liability यहाँ पे रहने वाली है, उस कंट्री के हिसाब से जहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया गया. बोलो कहाँ किया गया? बनाया गया करके. ये वाला पॉइंट हुआ. अब दूसरा देखो, एंड रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टर इंडोर्सर बाय द लॉ प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट मेड पेबल. मतलब सिंपल सी बात है, अगर कैनेडा में पेबल होता तो अपन कैनेडा के हिसाब से 20% आ रहा है सर. सी में होता तो सिंगापुर का 15% और ए में. लेकिन लीगल पूरा का पूरा केस कहाँ रचा जाएगा? इंडिया में पूरा के पूरा केस रचा जाएगा. इस बात का ध्यान रखना, इंडिया में पूरा के पूरा केस फाइट किया जाएगा. आप पहले आराम से इसको एक बार रीड करो. पहले आप इसको, सारे लोग शांत रहेंगे, इसको रीड करेंगे. पहले जल्दी जल्दी रीड करो. हाँ, ईए से भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता. अल्टीमेटली ए ने बनाया ना प्रॉमिसरी नोट, बाकी लोगों ने तो एंडोर्स किया. चलो डन है, बोलो डन है. सर परसेंटेज किसका है? परसेंटेज है बेटा ब्याज का, कि अगर सही समय पर पैसा नहीं दिया गया तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आप सही समय पर पैसा नहीं दोगे तो आप सोचो ना, वो इतने दिन तक इंतजार किया और आपने पैसा नहीं दिया, आप अगर उसका पैसा यूज करोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा. तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, 10% 15% 10% ऐसा वाला. हो गया आदित्य? ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई बेटर है और कोई ये है, चेक ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि कोई बेटर है या कोई कमजोर है करके. हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. चलो एक मिनट रुकना. चले बोलो बोलो बोलो. ठीक है, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे के सारे लोग. अभी मैं आपको पहले इसके नोट्स बनाऊंगा. ठीक है, बेयरर और ऑर्डर के, फिर इनलैंड और फॉरेन के बनाएंगे, फिर उसके बाद अपन इनकोएट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को भी आज ही कवर कर देंगे. ठीक है ना? तो हो सकता है अपना कल तो नहीं, परसों अपना नोट्स के साथ ये पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा करके वाला चैप्टर. है ना? अच्छा है, बढ़िया है. चलो चालू करें, बोलो जल्दी से चालू करें. आओ, चूजिंग ऑप्शन है क्या इसमें बी या डी से लेना? हाँ, चूजिंग ऑप्शन है, आप ऐसा समझ लो. तो देखो, आप सोच के देखो बेटा, ये जो है ना फॉरेन एक्सचेंज, आप सुनो ना, ये जो प्रॉमिसरी नोट में देखूंगा तो वहां पे लिखा रहेगा, देखो होगा क्या,
ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और डी ने मुझको दिया है, ठीक है। तो मैं डी के पास जाऊंगा तो डी जाने वाला है सी के पास, सी जाने वाला है बी के पास, ए के पास, तो ऐसे वहां पे तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मान लो मैं यहाँ पे गया था ए के पास नहीं दिया तो मैं बोलूंगा चल डी तूला, डी बोलेगा यार चल सी के पास चलते, है ना, फिर उसके बाद बी के पास, ए के पास, ऐसा। तो ये मेरे, ये किसके ऊपर रहेगा, ई के ऊपर रहेगा कि वो जाना किसके पास चाहता है। क्योंकि सोचो ना, जब इसने डिसऑनर किया मतलब ये सारे लोगों के ऊपर ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी आना यहाँ पे चालू हो जाती है। लेकिन ई के लिए सबसे पहले ई किसकी गर्दन पकड़ेगा, डी की गर्दन पकड़ेगा, सबसे पहले वो डी की गर्दन पकड़ने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो चले क्या, चलो बोलो जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ू क्या, फटाफट बोलो आगे बढ़े, बोलो। एक और आपको ये दू क्या, एक और एग्जाम्पल आपको चाहिए क्या, लो एक और एग्जाम्पल देंगे। देखिए देखो, बात करूंगा किसके बारे में, मान लो सर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक ए है कैलिफोर्निया का, ठीक है ना, यस सर, ठीक है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 20% यहाँ पे चल रहा है करके, ठीक है। ए है कैलिफोर्निया का, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया किसके ऊपर, बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, इसने ड्रॉ किया और बी ने इसको एक्सेप्ट किया। अब समझना बात को, बी ने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, तो अब ऐसे कि इसके अंदर, और ये बी ने इसको एक्सेप्टेड बाय बी है, और ये पेबल का हो रहा है वॉशिंगटन में, पेबल हो रहा है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वॉशिंगटन में, एग्जाम्पल के लिए वॉशिंगटन में ये पेबल हो रहा है सी के पास, जहाँ पे ये क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है मान लीजिए 6% का। अब सी ने क्या किया, इसको एंडोर्स कर दिया, इंडिया में एंडोर्स कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया, ई को एंडोर्स कर दिया इंडिया में, ठीक है ना, ओके सर, इंडिया में एंडोर्स कर दिया। और मान लीजिए अब यहाँ पे है ना, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये हो जाता है डिसऑनर हो जाता है, यानी मना कर देता है यहाँ पे सी पे करने से। अब ऐसे अब जब ए के पास जाता है ड्यू डेट के ऊपर तो मना कर देता है ए पे करने से, तो अब डिसऑनर हुआ, तो सबसे पहली बात केस कहाँ पे होगा, केस होगा इंडिया के अंदर, समझना बात को, केस कहाँ पे होगा, केस इंडिया के ऊपर होगा। मान लीजिए सर अगर ये जो ई है ना, ये ई अगर ए को बलि का बकरा बनाता है कि बोले तूने पे नहीं किया है करके, तो ए कितना पैसा देगा, 20% का ब्याज देगा। मान लो ए कहता है यार ऐसा कुछ नहीं है करके, मैंने, मेरे से कुछ गलती नहीं हुई, या मान लीजिए ए को ए पकड़ में नहीं आ रहा है, तो अब ई किसके पास जाने वाला है, उसको किसने दिया, सी ने दिया, तो सी के पास जाएगा, तो सी के पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं बात को जो मैं बोल रहा हूं, है ना। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, केस बनेगा वहां पे जहां पे डिसऑनर, इंडिया में आया तो केस इंडिया में बनने वाला है, ध्यान रखना, पेबल कहा था वहां का, वहां पे केस होने वाला है। अब जिसको बलि का बकरा, जिसके ऊपर केस करेंगे, उसके कंट्री के हिसाब से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे लगने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझे, बोलो बोलो बोलो, अब जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप बात को समझे, क्या एकदम क्लियर क्लियर है क्या, सारे लोग बोलिए। सो इतना क्लियर है सर कि जहां पे अगर इंडिया में डिसऑनर तो केस इंडिया में बनेगा, जिसके ऊपर भी केस करेगा वो जिस भी कंट्री का होगा, बस उसके हिसाब से ब्याज अपन लगाने वाले उसको, ऐसा है ना। आओ आ जाओ, आओ आओ आओ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वाली चीज। सारे लोग आ जाएंगे, बेयरर इंस्ट्रूमेंट को लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना, क्विकली लिखेंगे बेयरर इंस्ट्रूमेंट।
हो गया। मेयर का मतलब होता है सिर्फ डिलीवरी, ऐसा। सर आपके अल्टीमेट से ये वाली मैडम बोल रही है कि पेमेंट मैं कर दूंगी, पर वो मेरा पेमेंट कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती, मैं वही बोल रहा हूँ। आप किसी को ओटीपी ओटीपी मत दे देना, बोले अल्टीमेट से ये कि मैडम, पता चला कोई मैडम आई नहीं वहाँ पे, है ना, संभल के रे बेटा। आप पूछना था ना कैसे करोगे बोलना मैम पेमेंट, है ना, ऐसा पूछना था कैसे करोगे पेमेंट। तो अगर आपको वाजिब लगा, हो सकता है कि मतलब पूछ लेना एक बार। एक मिनट रुको, तेजस सर का मुझे फोन आया था, कुछ अर्जेंट है क्या? हो सकता है किसी चीज से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं क्लास में था सर। मैं और सर मैं बोल रहा था वो पेमेंट का कुछ इशू आ रहा है क्या बैकएंड में, थोड़ा सा फ़ोन करके पूछिए। तो मेरे को कुछ बच्चे बोल रहे थे और एक अरविंद सोनी करके एक स्टूडेंट है, वो बोल रहे थे कि मतलब कोई अल्टीमेट सी है कि मैम है, वो बोल रही थी मैं पेमेंट कर दूँगी, तो अब मुझे समझ नहीं रहा मैम कैसे पेमेंट करेंगे, ऐसा वो पूछ रहे हैं। अच्छा 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 मतलब वो पूरा बैकएंड में प्रोसेस करेंगे, आखिरी में लिंक जनरेट करेंगे और लिंक इनको फॉरवर्ड कर देंगे अल्टीमेट से, कि फिर वहाँ से वो पेमेंट करेंगे, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा वो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था इसलिए वेबसाइट डाउन थी क्या? ठीक है, अब ठीक है, ओके ओके ठीक। हाँ हाँ मैम कुछ नहीं बेटा, मैम वहाँ पे गाइड करने वाले आपको, तो वो उसमें कैसा होता है बैकएंड का जितना भी प्रोसेस है ना वो मैम कर लेंगे, आपको बस बताना है कि आपको कौन सा कोर्स बाय करना है, फिर वो एक लिंक जनरेट करेंगे, वो लिंक आपको भेज देंगे, आप उसके बाद आप ही ओटीपी डाल के सब पेमेंट आप ही करेंगे। ठीक है चलिए आ जाओ, ध्यान दो, चलो आइए। सेकेंड लिखो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अरे आज क्या हो गया, अभी कल से इंटर की भी बैच है, ऊपर से फाउंडेशन भी, तो इतना ट्रैफिक जनरेट हो गया साइट के ऊपर, मतलब बीच में तो ऐसा हम भी बैकएंड से चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा। अब जितनी बुक्स एक्सपेक्ट किए थे हज़ार हज़ार हमने प्रिंट करवा लिए थे, अब वो भी आउट ऑफ स्टॉक चले गए, तो तुरंत मैं बोला प्रिंटर को भाई तू पहले बुक्स प्रिंट कर, बाकी सब काम छोड़ तू पहले फाउंडेशन की बुकें प्रिंट मार करके, है ना। तो थोड़ा सा अब एकदम से अचानक से बर्डन आ जाता है, दोनों चीज़ें साथ में हो जाती है, इसलिए होता है थोड़ा सा। ठीक है लेकिन चलो आइए, और नेक्स्ट वाले केस में इनलाइन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे आ जाओ। पेबल टू पर्सन या पेबल टू पर्सन और ऑर्डर। अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं समझी, अगर मान लो कुछ बच्चों ने रिकॉर्डेड लिया होगा, तो अब रिकॉर्डेड लिया इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब YouTube लाइव नहीं आ सकते करके। अब YouTube लाइव तो आप कर सकते ना यार अटेंड, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर लिया सब माना हमने, ठीक है, लेकिन यूट्यूब लाइव गिवन ऑप्शन लाइव का तो आप लाइव आएंगे ना, मतलब इतना कि नहीं नहीं हमने रिकॉर्डेड लिया है तो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड ही देखेंगे करके, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ कुछ काम वाम रहा तो बात अलग है फिर। ठीक है चलिए आइए तीसरा, लास्ट लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल। अब कभी कभार ऐसा लगता है ये जो सरकमस्टांस हुआ है मतलब अच्छा भी है करके, लेकिन फिर दूसरा साइड देखो नहीं यार बुरा भी है करके, मतलब तो आप देखो ना दोनों काइंड की चीजें हैं ना इसके अंदर। चलिए आओ लिखो,
है ना, आओ चले चले क्या, बोलो जल्दी से। चलिए डन है, और बताइए अब इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट लेंगे। ट्रॉन इन इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। चलिए हो गया होगा, बोलो जल्दी से। अब लिखो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। हाँ राहुल सर को मैं अच्छे से पहचानता हूँ बेटा, है ना, हम लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में साथ में ही पढ़ाते हैं, जेम पर्सन। आओ चलो आगे बढ़े क्या, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट चलो जल्दी जल्दी करो रे, कितना टाइम लगाते तुम लोग, लिख के ही नहीं होता तुम्हारा, फास्ट लिखो, देखो मेरा कितना जल्दी हो गया। हाँ चलो अमाउंट डेबिट हुआ है पर पेमेंट डिक्लाइन का मेल आया है। मधुरा थोड़ी दिन थोड़े से रुक जाइए, अगर पेमेंट डिक्लाइन का मेल आया तो आपका जो अमाउंट डेबिट हुआ है वो वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है ना। चलिए अब बस, अब स्पैम करना बंद कीजिए बस। चलो ये अगर आपका हो गया होगा तो मुझे सारे लोग बताइए जल्दी से, अगर आपका ये कंप्लीट हो गया होगा तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलो डन है ना, सारे लोग बोलेंगे यस सर डन है। चलो अब अपना यहां पे चालू होता है आस्क मी एनीथिंग सेशन। अब अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगले 15 मिनट आपके हैं, पूछ डालो, छोड़ डालो बेटा बांध यहां पे डाउट के, है ना, परेशान कर दो, झंझोल के रख दो मेरे को डाउटों से, ठीक है आ जाइए। अब देखो बेटा मुझे कोई आइडिया नहीं है युवराज उसके बारे में, आई सिंसियरली मतलब मुझे सीरियसली पता ही नहीं है मुझे कि क्या है और क्या नहीं है करके, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, है ना। तो प्लीज बस मैं यही बोलूंगा थोड़ा सतर्क रहो, और बींग अ स्टूडेंट, बींग अ सीए स्टूडेंट आपने वैसे भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना ही है, हमेशा चौंकना रहना ही है। चलो और पूछो, ठीक है आइए। लेक्चर को लाइक वाइक करो यार, आप लेक्चर को लाइक नहीं करते दिल से बुरा लगता है। सर किसी हमें क्वेश्चन बैंक लेना है, हम कहाँ से ले सकते हैं? आप दो जगह से ले सकते हैं, एक तो आप igsir.in से आप ले सकते हैं और दूसरा आप ले सकते हैं ultimatecA.com के ऊपर से, है ना। दोनों जगह आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ठीक है, तो दोनों जगह आप जा सकते हैं, दोनों में से कहीं पर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद,
क्या मुझे न्यू लेना चाहिए? भावना ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा कि आप है ना वो ईबुक वाला ले लो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि पुराना क्वेश्चन बैंक है ना, तो अब देखो नया लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि अब क्वेश्चन भी कुछ कुछ बदले होंगे, पूरे तो नहीं बदले होंगे, डेफिनेटली बहुत से सेम ही होंगे, लेकिन अब ठीक है ईबुक से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ एड्स के रहेंगे और थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे वो दिख जाएंगे आपको उसमें, ठीक है। हाँ चलिए सर, 10 फेब को एनरोल किया था, बुक ट्रैकिंग कब आएंगी? आ जाएंगी शेख जी, ऐसा इतना टेंशन मत लो आप, है ना, मिल जाएंगी आपको, कहीं जाने नहीं वाले, हम भी यही बैठे हैं, ठीक है। आओ सर, ये एक्ट वाइटो पे करोगे क्या? देखेंगे, जितने 4 सेशंस होंगे उतने। सर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में, है ना? एक तो आईडी भी भयंकर डालिए, फन विथ मी बात रे बाप। आओ सर, आपकी पूरी क्लास फ्री होंगी क्या? नहीं अतुल, ये जो क्लासेस है हमारी, ये क्लासेस है देख लीजिए वाली, ये वाली क्लासेस है हमारी कौन सी, अल्टीमेट सीए की, ठीक है। तो ultimatecae.com के ऊपर आप जाएंगे, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू फाउंडेशन पे जाएंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बैच, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड का पार्ट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल क्लासेस लेना है आपको, जैसे मान लो आपको लॉ का यहाँ पे क्लास लेना है तो ये भी अवेलेबल है इंडिविजुअल क्लासेस, आपको कॉम्बो लेना है पूरे सब्जेक्ट का तो वो भी अवेलेबल है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। किसी को फुल कोर्स में जाना है तो फुल कोर्स में भी यहाँ पे जा सकता है, फुल कोर्स भी वो यहाँ पे लेक्चर्स देख सकता है, लॉ के डिटेल वाले लेक्चर्स होते हैं एकदम ज्यादा, ठीक है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है, तो इसको आप एनरोल नाउ पे अगर क्लिक करेंगे तो लाइव रिकॉर्डेड, लाइव में भी आपको बैकअप मिलता ही है लेक्चर्स का, ऐसा नहीं है मतलब लाइव छूट गया तो अब क्लास ही नहीं होंगी, क्या ऐसा नहीं है, आप रिकॉर्डेड उसको भी देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में प्योर रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग्स ही आप देख पाएंगे। ऐड टू कार्ड करके आज आखिरी दिन है जहाँ पे आप कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्टीमेट कल से ये कोड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेट करके आप डालोगे ना तो देखो यहां पे अप्लाई करूंगा तो अप्लाई नहीं होगा, होगा अरे हो गया, हाँ चलो हो गया, तो अल्टीमेट मैंने यहाँ पे कोड डाला तो 200 का अप्लाई यहाँ पे हो गया। अल्टीमेट सीए मत डालना, हाँ मैंने सीए नहीं लगाया, तो अल्टीमेट सीए नहीं लगाना है आपको, सिर्फ अल्टीमेट का डालना है तब आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। बेटा जाके देख लो सब साइट के ऊपर। उसके बाद सर बुक कब आती है? मैसेज आया आउट ऑफ स्टॉक, आ जाएंगी जैसे ही इन स्टॉक होंगी, तुरंत सबसे पहले हम आपकी बुक निकाल देंगे, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन एग्जाम नहीं मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में नहीं मिलेगा, रेगुलर बैच में क्वेश्चन बैंक मिलता है, ठीक है। आ जाइए सर, मैं डिवाइस चेंज करने के भी चार्जेस है? नहीं, आप डिवाइस चेंज ही नहीं कर सकते, पहली बात तो डिवाइस केवल 2 ही डिवाइसेज में ऑपरेट होता है, एक आपका लैपटॉप और दूसरा मोबाइल फोन, ये 2 डिवाइसेज के अंदर क्लास चलेंगी, लाइव क्लासेस दोनों जगह सेम टाइम नहीं चल सकती, एक लॉग आउट करोगे तब दूसरी जगह लॉग इन होता, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। सर मेरा पासवर्ड में एरर आ रहा है, तो आजकल एक फॉर्म है, वो फॉर्म को फिल कर दीजिए सपोर्ट का, आपको कॉल बैक आ जाएगा, मदद कर देंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, उसके बाद बताइए। थैंक यू जिग्नेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बुक को कैसे ऑर्डर करें? आपको बुक ऑर्डर ही नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन के अंदर बुक इंक्लूड होती है, कलर बुक हमारी आती है, जैसे मैं अगर लॉ की बात करूँ तो मेरी 2 मॉड्यूल्स आपको आती है, कलर मॉड्यूल्स आपको पहुँच जाती है, तो आपको बुक ऑर्डर नहीं करना है, है ना, तो ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर, डिस्काउंट डेट एक्सटेंड हो सकती है? 1-2 दिन नहीं होने वाली है, आज आखिरी दिन है, 7 दिन से डिस्काउंट चल रहा है हमारा, है ना, मतलब वो फिर इज्जत ही नहीं रह जाती वो डिस्काउंट के बेचारे की, वो भी बोल रहा है हो गया ना, कितना लगा के रखा है डिस्काउंट, है ना, ऐसा हो जाता है। सर डिस्काउंट डेट ये हो गया। सर अल्टीमेट सीए की वेबसाइट कब तक ठीक हो जाएंगी? हो गई ठीक, अब तो चल रही है, दौड़ रही है बेटा, ये देखो मस्त दौड़ रही है, ये गए एनरोल नाउ के ऊपर है, धड़ाधड़ काम कर रही है, अरे बाप रे मजा ही आ गया, तो बहुत ही स्पीड में काम कर रही है अभी, है ना। आओ बस हो गया ऐसा। सर मॉड्यूल 2 कब मिलेंगी? मॉड्यूल 2 प्रिंट हो गई है, डिस्पैच होना चालू हो जाएंगे अभी, मेरे हिसाब से सब साथ में ही डिस्पैच करेंगे, मॉड्यूल 2 और क्वेश्चन बैंक जो है रेगुलर क्लासेस वाले उनको साथ में मिलेंगे, और जो इधर वाले हैं उनको दोनों मॉड्यूल साथ में मिलेंगे, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, फिर सानी अगर आपने मेरे मान लीजिए आपने क्लासेस ले लिए और आपको बुक्स आ गई, तो आप फिर आईसीए की मॉड्यूल क्यों लेना है, क्यों जबरदस्ती डबल पैसा डालना है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर, न्यू क्वेश्चन बैंक कब आएगा? आ गया क्वेश्चन बैंक, igsir.in के ऊपर अवेलेबल है। सर लॉ में आंसर लिखते वक्त प्रॉब्लम आती है, मैं बैठा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ करेंगे क्लास के अंदर, जैसे पहले करते थे वैसा भी करेंगे, बस थोड़ा सा रुको, मेरे को थोड़े से और 2-4 एक्ट निपटाने दो, ताकि फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं सीरीज वीरीज लाऊँ, कुछ एक आधी सीरीज यूट्यूब के ऊपर भी लाऊंगा, है ना, कुछ ऐसा भारी वाला करेंगे ना थोड़ा सा ऐसा। सर हम सोगा और ICIYT सेशन से पढ़ना नहीं, सोगा के मैं आपको सेशंस अवेलेबल करवा दूंगा, वो डिटेल सेशंस दूंगा मैं आपको, आपको चाहिए तो आप सोगा को स्पेशल 26 से भी कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, आप चाहे तो कर, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो स्पेशल 26 से चालू कर दीजिए, ठीक है। हाँ
सर क्वेश्चन बैंक में आंसर होगा, नहीं तो फायदा ही क्या उस क्वेश्चन बैंक का जिसमें आंसर ही ना हो। अगर सिर्फ क्वेश्चन ही देना होता तो नॉर्मल बुक में ही दे देता बेटा, फिर क्वेश्चन बैंक क्यों बनाता मैं? आप सोच के देखो ना, क्वेश्चन बैंक में आंसर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, हाँ सर नमस्ते सर, आप पीडीएफ प्रोवाइड करते हो जब? हाँ अभी इसकी पीडीएफ आपको दिया है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पीडीएफ दिया है हमने आपको, है ना, पीडीएफ है आपके पास। सर वन प्लस में क्लासेस? अरे दौड़ेंगे बेटा, वो सिर्फ कुछ तो भी वो रेडमी नोट 10 और 9 की सीरीज है, बस उसी में दिक्कत है मेरे हिसाब से, बाकी हर जगह एकदम दौड़ते हैं क्लासेस अपने, और iOS तो शिटते नहीं अपन, है ना। उसके बाद सर अब अमाउंट वापस आया तो मेरी एडमिशन का क्या होगा? कुछ नहीं, वो कैंसिल हो गई रहेंगे, अब फिर से दोबारा से एडमिशन ले लेंगे तो अप्रूव हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा कोई ऐसा नहीं करेंगे हम कि अरे नहीं नहीं अब पैसा वापस गया तो हम आपको ले नहीं रहे मदुरा, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो अब फिर से ट्राई करना, फिर से वो प्रोसेस करना, हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ एग्जाम फॉर्म डायरेक्ट भर सकते? डायरेक्ट शायद भरना नहीं होगा एग्जाम फॉर्म को, कुछ तो भी है ना, एक छोटा सा आपको ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म को फिल करना पड़ता है, उसके बाद आई थिंक सो होती है चीज। चलो चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल